हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने की टेस्टी खिचड़ी। आप इसे व्रत में खा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। एक कटोरी यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है, थोड़े से हमने यहाँ पर दाल मखाने लिए हैं, 4 आलू जिनको हमने बॉयल कर लिया और छील लिया, 1 टमाटर लिया है जिसे हमने बारीक कट कर लिया, 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक कट कर ली है। जैसे जैसे हम मसाले डालेंगे वैसे बताते जाएंगे, इनको अच्छी तरह छोटा छोटा कट कर लेंगे। एक बाउल लेंगे और इसे इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और लूँगी। इसे मिक्स कर देंगे पहले, फिर थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए साबूदाना तब तक फूल जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। अब देखिए आलू को हमने छोटा कट कट लिया है, आपने इस तरीके से इसे कट करना है। यहाँ पर हम मूंगफली लेंगे और मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर 1 छोटी कटोरी मैंने मूंगफली दाने लिए हैं, आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। पैन को हमने गरम कर लिया है, इसे हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू। ये देखिए इस तरीके से अभी हमने इसे हाई फ्लेम पर रखा है और धीरे धीरे इसे हम चलाते रहेंगे। आपकी मूंगफली कैसे रोस्ट होगी ये मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा। ये देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे कंटिन्यू बर्तन को इस तरीके से ऐसे करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ये रोस्ट हो जाएगी। फ्रेंड बहुत जल्दी रोस्ट होती है इससे। ये देखिए आपको बार बार चम्मच से या किसी भी चीज़ से आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको पता लगेगा, ये मूंगफलियाँ देखिए आपको, ये देखिए इस तरीके से आपको छिलके हट जाएंगे मूंगफली के। ये देखिए धीरे धीरे, ये देखिए छिलके हटने लगे हैं। ये देखिए अब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आराम से ये छिलके, ये देखिए रगड़ने से उंगलियों से ये छिलके निकल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये हमारी मूंगफलियाँ रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसे हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये इसको हम छिलके, ये देखिए निकाल चुके हैं, इस तरीके से छिलके निकालेंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे और सभी छिलके आपके एक साइड में आ जाएंगे और इन छिलकों को निकाल कर हम रेडी करेंगे। ये देखिए इसे हमने रेडी कर लिया है, यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर इनको निकाल लिया है, इसे बाद में यूज़ करेंगे। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, इसे आपने दरदरा पीसना है। ये देखिए इस तरीके से आपने पीसना, ये देखिए कुछ पाउडर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से पीस रह जाएंगे। ये देखिए साबूदाना हमारा यहाँ पर फूल कर रेडी हो चुका है, पानी यहाँ पर सोख चुका है। अब देखिए एक तरीके से आपको दिखेगा तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा और आप इसे इस तरीके से दबाएंगे तो आपको पता, ये देखिए दब जाएंगे। ये देखिए अगर ये नहीं दबेंगे तो इसका मतलब ये अभी इसको और ज़रूरत है रखने की, इसलिए आपको इस तरीके से देख कर आप चेक कर सकते हैं इनको। अब तब तक हम इसका मसाला बनाएंगे, इसे हम और थोड़ी देर रखेंगे, जो नहीं भी गले हैं वो भी इसमें गल जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने कढ़ाई को गरम कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर घी लिया है, मीडियम साइज़ का ये चम्मच है, यहाँ पर हमने घी लिया है और उसके बाद इसे हम मेल्ट करेंगे। बाद में भी हम थोड़ा सा घी इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं जीरा ले रही हूँ, जीरा अगर आप खाते हैं व्रत में तो आप डालें, नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये दाल मखाने डालेंगे और इसे हम ये डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब आप इस समय कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, मैं यहाँ कड़ी पत्ता अभी नहीं डाल रही, बाद में डालूँगी। अब इसे मूंगफली भी इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बस हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, ये देखिए बस इतना ही करना है। अब इसके अंदर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आप इसे सीधा नमक डालेंगे, अगर व्रत के लिए खा रहे हैं तो नॉर्मल भी नमक आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी, अगर आप व्रत में लाल मिर्च डालते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे, आलू मैंने यहाँ पर अच्छे आलू लिए हैं, थोड़े ज़्यादा लिए हैं, आप अपने हिसाब से आलू का देख सकते हैं, कम ज़्यादा जितने आप चाहते हैं वैसे आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए अब इसमें हम 1/2 साबूदाना इसमें डालेंगे और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मसाले में कोटिंग हो जाएगी इसकी, फिर उसके बाद हम सारा साबूदाना इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये खिचड़ी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है,
आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और आप इसे व्रत ना हो तब भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इसमें 2-3 मिनट बाद आपने इसमें घी डालना है। ये देखिए, थोड़ा घी हमने इसलिए और डाला है क्योंकि इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी, टेस्ट अच्छा आएगा और फ्रेंड्स ये चिपकेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर घी बाद में भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपको लगता है आप पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी लग रहा है या चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर पानी भी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन घी डालेंगे तो ये और टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पर मैंने किशमिश लिए धोकर मैंने इसे डाल दिया है। अब बचे हुए यहाँ पर मैंने मूंगफली भी ले ली है, जो हमने एक मुट्ठी मूंगफली निकाली थी वो भी मिक्स कर ली है। अब सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर हम रख देंगे। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी हमारी यहाँ बनकर रेडी हो चुकी है। कढ़ी पत्ता मैंने यहाँ पर बारीक कट किया है और इसके अंदर यहाँ पर मैं इस तरीके से गार्निश कर दूँगी। फ्रेंड्स खिचड़ी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।